आपने पाम ऑयल के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी देखा है फैक्ट्री में पाम ऑयल कैसे बनता है? और क्या सच में महिला पाम ऑयल की चीजें खाती है तो महिला प्रेग्नेंट हो सकती है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इसका पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं, और हम आपको एक ऐसी फैक्ट्री के अंदर ले जाएंगे जहां पर बड़े लेवल पर पाम ऑयल के प्रोडक्शन करी जाती है। दोस्तों, पाम ऑयल की प्रोडक्शन शुरू होती है पाम के पेड़ों से, और ये पेड़ कुछ इस तरह के होते हैं। इतने लंबे पेड़ों से पाम के फलों को निकालने का काम एक बड़ी सी स्टिक की मदद से किया जाता है। अगर आपने आज तक पाम का फल नहीं देखा है तो ये फल कुछ इस तरह से नजर आता है। अगर अदरक का बीज दिखाई देगा जिसे पाम नट कहते हैं, जो सफेद रंग का होता है, इसी फल के चारों तरफ मौजूद हिस्से को कहते हैं मैनसोकार्प। अब यहाँ पर पेड़ों में से पाम के फलों को तोड़ा जाता है और फिर ट्रैक्टर में भर लिया जाता है। इस पूरे प्रोसेस को हार्वेस्टिंग कहते हैं, जहाँ पर कई बार पेड़ों से पाम के फलों को निकालने के लिए शॉवेल्स का इस्तेमाल किया जाता है, और कई बार एक्सकैविटर मशीनों का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो जमीन पर पड़े इन पाम के फलों को उठाकर ट्रकों में भर देती है। और एक पाम का पेड़ लगभग 16 से 20 किलो तक के पाम के फल को हर साल प्रोड्यूस कर सकते हैं, और एक पाम के पेड़ से हम 25 से 30 साल तक पाम ऑयल निकाल सकते हैं। अब जिन जगहों पर पाम के पेड़ों की हार्वेस्टिंग नहीं करी जा सकती, तो इन जगहों के लिए कुछ इस तरह के प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इस पूरे हार्वेस्टिंग का प्रोसेस दुगनी रफ्तार में हो जाता है। आसानी से ट्रॉली का इस्तेमाल करके एक नेट में इन सभी पाम के फलों को पेड़ों से काट कर ट्रकों तक लेकर आया जाता है, और फिर इन ट्रकों को फैक्ट्री के लिए रवाना कर दिया जाता है, जहां पर अब असली पाम ऑयल की प्रोडक्शन होगी। जिस जगह पर फैक्ट्री मौजूद होती है, वहां पर ये ट्रक इन पाम के फलों को लेकर कुछ इस तरह से डंप कर देते हैं। अब यहां पर फ्रंट लोडर का इस्तेमाल करके इन सभी पाम के फलों को इकट्ठा करके फैक्ट्री के अंदर ले आया जाता है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि ये एक कन्वेयर बेल्ट की तरह बनी हुई मशीन है, जिसके ऊपर बॉक्स की शेप का ढांचा लगाया हुआ है, और इन्हीं के अंदर पाम के फलों को डालकर फैक्ट्री के अंदर लाया जा रहा होता है, और इन्हें कन्वेयर बॉक्सेस भी कहा जाता है। फिर धीरे धीरे करके ये फैक्ट्री के अंदर बिल्कुल आ जाते हैं। अब यहाँ पर अब दूसरी प्रोसेस को शुरू किया जाता है, जिसका नाम है स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस। और इस काम को करने के लिए इन पाम के फलों को इस तरह से स्टेरिलाइजेशन चैम्बर में डाला जाता है, और स्टेरिलाइजेशन के इस प्रोसेसर में पाम के फलों को हाई प्रेशर स्टीम की मदद से स्टेरिलाइज किया जाता है। अब जहाँ पर इस चैम्बर के अंदर का तापमान 140 से 150 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, और इस प्रोसेस को करने का मेन मकसद ये होता है ताकि इस फल के अंदर मौजूद जितने भी बैक्टीरिया और फंगस होते हैं वो सब के सब नष्ट हो जाए। और इस प्रोसेस के बाद इन पाम के फलों को इस डिसइंफेक्शन प्रोसेस से गुजारा जाता है, जहां इन फलों को उबाला जाता है और इनमें से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अलग कर लिया जाता है। अब यहाँ पर फल देखिए अच्छे से उबल चुके, जिसके बाद उन्हें यहाँ से ले जाकर इन प्लांट में ले जाया जाता है, जिसके लिए यहाँ मौजूद कन्वेयर बेल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे करके इन उबले हुए पाम के फलों को प्लांट तक लेकर जाया जा रहा होता है, जहाँ इन फलों को कई सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, और तब जाकर बेहतर क्वालिटी का पाम ऑयल प्रोड्यूस हो पाता है। अब यहाँ पहुँचने के बाद इन सभी उबले हुए फलों को एक स्क्रीपर के अंदर कुछ इस तरह से डाल दिया जाता है, जहाँ पर ये तेजी से घूमता है, और फिर धीरे धीरे करके इन फलों में मौजूद खाली ब्रांचेस को निकाल दिया जाता है। अब जैसे कि आप देख ही सकते हैं ये कितनी तेजी से घूम रहा होता है। जैसे जैसे ये प्रोसेस होती रहती है, वैसे वैसे एक एक करके यहाँ मौजूद कन्वेयर बेल्ट की मदद से ये पाम के फल बाहर आते जाते हैं और सीधा भेज दिए जाते हैं एक डाइजेस्टर मशीन के अंदर, जहाँ पर इन फलों को डाइजेस्ट कर पाने लायक बनाने के लिए हीट का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर डाइजेस्टर मशीन के अंदर आप देख सकते हैं कि कैसे ये मशीन इन फलों का कचुंबर बना देती है, और फिर थोड़े ही समय के बाद में इन्हें जब इस मशीन के बाहर निकाला जाता है, तब इनका पूरा हुलिया बदल कर कुछ इस तरह से हो जाता है, एकदम पूरी तरह से मसल चुके हैं ये फल। अब आ जाएंगे सीधा प्रेस मशीन के अंदर, जो इस पूरे प्रोसेस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है, क्योंकि यहीं से अब पाम ऑयल को इन फलों से निकाला जाने वाला होता है। इस प्रेस मशीन की मदद से सबसे पहले तो एक तरफ पाम ऑयल से फाइबर को अलग किया जाता है, जो कुछ इस तरह से बाहर निकाला जाता है, और दूसरी तरफ इन फलों में से पाम ऑयल निकाला जा रहा होता है। अब जैसे कि आप यहां देख ही सकते हैं कि कैसे ये मशीन अपने अंदर से इन फलों को प्रेस करके इनमें से तेल निकाल रही है। अब देखिए तेल निकालने के बाद इन्हें रिसेप्शन टैंक के अंदर कुछ इस तरह से डाला जा रहा होता है, जहां पर इस तेल को डाइल्यूटेड क्रूड ऑयल में बदला जाता है। अब यहां पर डाइल्यूटेड क्रूड पाम ऑयल को तैयार कर लिया होता है, जिसके बाद इन्हें यहां कोल्ड स्टोरेज में लाकर रखा जाता है, और फिर यहां से ये ऑयल कुछ समय में लिक्विड से सॉलिड हो जाते हैं और इनका शेप कुछ इस तरह से हो जाता है। अब देखिए कुछ समय के बाद में डाइल्यूटेड क्रूड पाम ऑयल को यहाँ ले जाकर क्लेरिफाइड मशीन की ओर ले जाया जाता है। ये मशीन के अंदर एक एक करके इस पाम ऑयल के ब्लॉक्स को डाला जाता है, और फिर ये मशीन इन्हें पाम ऑयल में कन्वर्ट कर देती है,
और अपने अंदर लगे हुए प्योरीफायर की मदद से बाहर निकाल देती है। अब यहाँ इस पूरी प्रोसेसर के बाद अंत में जाकर इस पाम ऑयल को बोतलों में भर लिया जाता है और दूसरी तरफ पाम के फलों से जो कुछ भी बचा हुआ रह जाता है उसे यहाँ मौजूद इस सुलज टैंक में भेज दिया जाता है और फिर इन्हें यहीं से डिफेंडर में भेजा जाता है और उनका डिफेंडर स्लेज बनकर तैयार हो जाता है और बाद में इन्हें मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है।